ये महिंद्रा स्कॉर्पियो S10, इसके अंदर क्या हुआ, डीजल लीकेजिंग प्रॉब्लम, ऑयल लीकेजिंग, पानी लीकेजिंग, तीनों चीज़ एक साथ लीकेजिंग हो रही है। अब तीनों चीज़ कहाँ से हो रही है, कहाँ तक हो रही है, वो आपको दिखाएंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए और आगे भी शेयर करिए इस चीज़ का। ये चलक रहा है, ये जो डीजल है, ये बूंदे दिख रही है, ये डीजल है। ये डीजल कहाँ से लीक हो रहा है ये देखा, ये ऊपर से दिख नहीं रहा कहीं से भी, ऊपर से मैंने गौर करा था लेकिन मिला नहीं कहीं सबूत। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे। ये नीचे आ गए, हम नीचे, ये तो ऑयल लीक हो रहा है, ऑयल फिल्टर फूटा हुआ है। ये ऑयल फिल्टर है, फूटा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद लीक मार रहा है। अब डीजल वो साइड में डीजल टपक रहा है, लेफ्ट राइट साइड के अंदर बूंद दिख रही है, यानी कि हाई प्रेशर पंप से ऊपर से डीजल लीक हो रहा है। तो ऊपर वाली पाइप टाइट करेंगे और उसको देखेंगे क्या है क्या। सबसे पहले इसका ऑयल फिल्टर हटाएंगे, पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं ऑयल फिल्टर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे वाली पाइप चेक करेंगे लीक है या क्या है, लेकिन पाइप से लीक नहीं हो पा रहा, डीजल ऐसा लग रहा है। ये पाइप हटाई, इस पाइप को चेक करेंगे इसमें है या कहां से लीक हो रहा है। पाइप है जो नीचे बूंद हुई डीजल की आ रही है यहाँ से, इसका लॉक भी थोड़ा सा लूज था, उसको टाइट दबा के लॉक कर दिया पूरा तरह से। लॉक को दबा के सही कर रहा हूँ, ये लॉक सही हो गया, डीजल चिपक रहा है अभी भी। अरे मैं एक डीजल, ये ऊपर से डीजल, ये ऊपर जो पाइप दिख रही है मेन पाइप, वहाँ से लीक आ रहा है। इसका ऑयल फिल्टर खोलूँगा, ये ऊपर आ रहा है डीजल, ऊपर वाली जो हाई प्रेशर पंप मेन पाइप जो नोजल कॉम रेल के अंदर जा रही है, इससे लीकेजिंग प्रॉब्लम है। वो ऊपर चलक रहा है जहाँ से इसकी सील लगी हुई है, वहाँ से डीजल लीक हो रहा है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आपको शेयर करनी है, वीडियो और भेजूँगा, नई नई वीडियो आएगी रोजाना। ये ऑयल फिल्टर खोल रहा हूँ इसका, इससे क्या आसानी रहेगी पाइप से चेक करने के लिए, ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है कि ऑयल फिल्टर फूटा हुआ है इसका। यहाँ थोड़ी सी क्या है, कैमरा ऊपर हो गया था, ऑयल फिल्टर खुल रहा है, ऑयल फिल्टर खोल रहा हूँ। दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ना करे हो तो एक बार कर ले, सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी दबाए जिसपे सब लिखा हुआ है, यानी कि ऑल लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। ये ऑयल फिल्टर है,
कहाँ से फूटा हुआ है ये दिखाएंगे हम आपको, यहाँ से फूटा हुआ है। ये पाइप टाइट करेंगे और लगा से नहीं। ये पाइप ऊपर पड़ी है, इसको टाइट करेंगे। खाना गिर गया लेकिन झटके से खोल हुआ था, गीला हो गया। चौदह का बोल्ट है, मेन पाइप है जिससे डीजल लीक हो रहा है। जितना गाड़ी डीजल नहीं खा रही उससे ज़्यादा डीजल लीक हो रहा है यहाँ से। लूज था, ऊपर वाली पाइप आप स्टार्ट करेंगे। अब इसका ऑयल फिल्टर लगाएंगे। ये ऑयल फिल्टर लगा दिया, इसको टाइट करेंगे ऑयल फिल्टर को। ये टाइट कर दिए। स्कॉर्पियो S10 M-Hawk, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब लीकेजिंग देखेंगे वापस। ऑयल फिल्टर तो नया लगाए थे, यहाँ तो लीक होने का सवाल भी नहीं है। वो पाइप जहाँ से लगी हुई है राइट के अंदर, वहाँ भी बूंद बूंद कुछ नहीं आ रही है। गाड़ी स्टार्ट है, कुछ देर के लिए रोक लेते हैं अपन कैमरा, यहाँ देखते हैं क्या लीक है या नहीं है। कोई लीकेजिंग नहीं हो रही है, वहाँ से बिल्कुल सेफ है। अब इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऊपर से भी देखा नहीं, ये सब्सक्राइब का चिन्ह है, सब्सक्राइब जरूर करें। वो घंटी की बेल हो जरूर। ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है, इसमें एसी हीटिंग कोयल के अंदर पानी जा रहा है, ये पाइप लीकेज हुई है। इसको देख लो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर। लीकेज